नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस का साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं रेलवे द्वारा पिछले 15 वर्षों में अगर बात करें तो 20 से 25 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं इनको रट लीजिए कहीं दो में पंद्रह तारीख को आपसे गलती ना हो जाए क्योंकि जो मौका आपको मिला है ये मौका अगर एक बार हाथ से निकल गया तो नहीं जानते आप कि आगे कब रेलवे दोबारा वैकेंसी देगा तो चलिए देखते हैं क्या ये चालीस प्रश्न आपसे बनते हैं आपका पासिंग स्कोर पचास परसेंट नंबर का होगा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके लिए एक टाइमर भी दिया गया है और याद रखिएगा इस वीडियो में मैंने आपके लिए रेलवे के हर एक क्वेश्चंस को हु बहु उसी पैटर्न में दिया है जैसा कि रेलवे ने अपनी आंसर शीट में फाइनल आंसर शीट में दिया था तो चलिए देखते हैं क्या आपसे क्वेश्चन बनते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन आपसे पूछा गया है 2019 में रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया गया क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया गया तो ये लीथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है क्या उत्तर होगा बताइए देखते हैं तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन नंबर वेलेंटीना टेरेस्कोवा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर भारत द्वारा सत्ताईस मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था बताइए चलिए देखते हैं तो भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया गया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया है चंद्रयान टू मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था बताइए चलिए देखते हैं तो चंद्रयान टू मिशन जो है ये जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था बताइए चलिए देखते हैं तो नासा का पहला मानव मिशन एसटीएस 1 था ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा से डार्क चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा है बताइए राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं तो चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश जो है यह है चीन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नासा के कौन से मिशन ने पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचाया था बताइए। चलिए देखते हैं तो नासा का मिशन अपोलो प्रोग्राम जो था ऑप्शन नंबर ए इसने पहली बार मनुष्य को चंद्रमा पर पहुंचाया था राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपोलो मिशन अपोलो प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्षयान का नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष का नाम है पाइनियर टेन एंड पाइनियर इलेवन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन ध्रोवर मिशन का नाम क्या है बताइए देखते हैं तो नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम है स्प्रिट रोवर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें करते हैं बताइए चलिए देखते हैं तो परमाणु विखंडन की प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग जो है बिजली बनाने में करते हैं ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर पड़ा है क्या उत्तर होगा बताइए चलिए देखते हैं तो जीका वायरस का नामकरण जो है युगांडा के जीका वन के नाम पर पड़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है निम्न में से कौन सी तरंगें आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? बताइए चलिए देखते हैं तो आम टीवी रिमोट के द्वारा उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं तरंगें। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है क्या उत्तर होगा बताइए राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं तो वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट जो है ये रूस ने विकसित किया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है राइट आंसर क्या है बताइए चलिए देखते हैं तो कैलविन इकाई को जो है तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है बताइए चलिए देखते हैं तो आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन उपयोगी है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे दिए गए ध्वनि प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां क्या है इन शॉर्ट आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण से इनमें से कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं तो ध्वनि प्रदूषण के कारण रक्तवाहनियों का सिकुड़ना दिल की धड़कन की दर में वृद्धि होना पाचन स्त्राव होना और आंख की पुतली का विस्तार होना इन सब में से ऑप्शन नंबर एक दो तीन और चार सही है राइट right आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण ये सभी समस्याएं हो सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है क्या उत्तर होगा बताइए चलिए देखते हैं तो पौधों में भोजन का संवहन जो है फ्लोयम के माध्यम से होता है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए देखते हैं तो विटामिन बी वन की कमी से बैरी बैरी बीमारी होती है ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज्यादा रक्त शरीर से ना बहे बतलाइए चलिए देखते हैं तो शरीर में घाव होने या कट जाने पर रक्त जम जाता है प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण ताकि ज्यादा रक्त शरीर से ना बह पाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है बताइए चलिए देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर हो जाएगा सुरक्षित और ज्यादा आग बुझाने की मशीनों में प्रयोग करने वाली गैस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है बताइए चलिए देखते हैं तो वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जेनेटिक्स कहलाती है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है बताइए चले देखते हैं तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी स्टेपीज ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है बताइए चलिए देखते हैं तो आंख का आयरिस जो होता है आंख के रंग का निर्धारण करता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है राइट right आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं तो एस्केल स्केलेटन में जो है खोपड़ी भी होती है वर्टेबल कॉलम भी होते हैं रिब्स और स्टर्नम भी होती है ऑल ऑफ एब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा एक एस्केलेटन की बात हो रही है यहां पर जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में हड्डी राजा बोलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है मांसपेशियों की विद्युत गतिविधियों का रिकॉर्ड किसके रूप में किया जाता है राइट right आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए चलिए देखते हैं तो मांसपेशियों की विद्युत गतिविधियों का रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रोमियोग्राम के द्वारा यानी कि ईएमजी के द्वारा किया जाता है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेजर के बारे में आपको बतलाना है कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है आपके पास ये चार ऑप्शन हैं इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है लेजर के बारे में कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है गलत कथन बताना है आपके लिए इन शॉर्ट आप बताइए क्या उत्तर होगा चलिए देखते हैं तो यहां पर गलत कथन होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्पादन करता है देखा जाए तो यह एक विद्युत चुंबकीय विकरण है या विद्युत चुंबकीय विकरण ऑप्टिकल प्रवर्धन है के माध्यम से इसको उत्पन्न किया जाता है तो यह चीज लेजर के बारे में जो है, गलत कथन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है यह रहा स्क्रीन पर फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है आपको बताना इनमें से कौन सा रोग कवक के कारण होता है बताइए चलिए देखते हैं तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कवक से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर कपास का विल्ट रोग ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट फोटो स्टेट मशीन का ड्रम बना होता है फोटो स्टेट मशीन का ड्रम इनमें से किससे बनता है क्या उत्तर होगा बताइए चलिए देखते हैं तो फोटो स्टेट मशीन का ड्रम जो है बना होता है सेलेनियम के कारण सेलेनियम से ऑप्शन नंबर बी यहां पर सयत्र हो जाएगा सेलेनियम का बना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है राइट right आंसर क्या है बताइए चलिए देखते हैं तो राइट right आंसर हो जाएगा दही बनने के लिए जो है ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर हो जाएगा जिम्मेदार है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म का क्या क्या लक्षण हो सकता है क्या उत्तर होगा बताइए? चलिए देखते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण त्वचा और बालों का रूखा होना डिप्रेशन का होना थकान का होना ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एब आप सभी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है बताइए चलिए देखते हैं तो प्रोटियम ड्रुटियम और ट्रिटियम सभी के सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है बताइए चलिए देखते हैं तो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है गोइटर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप गया है। शरीर में थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है बताइए चलिए देखते हैं तो शरीर में थायराइड ग्लैंड जो है ये सभी काम करती है मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करना आंतरिक होमोस्टेटिस बनाए रखना श्वास और हृदय की गति को नियंत्रित करना ये सभी थायराइड ग्लैंड का काम है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक किनेमेटिकल समीकरणों खोज आदि जैसे नियमों से संबंधित है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए चलिए देखते हैं तो यहां पर वैज्ञानिकों में से आपको चुनना था जो कि किनेमेटिकल समीकरण खोज इन सबसे संबंधित हैं तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर है गैलीलियो। देखते हैं क्या पूछा गया है निम्न में से किस वैज्ञानिक को बैरोमीटर के आविष्कार के लिए जाना जाता है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए चलिए देखते हैं तो बैरोमीटर के आविष्कार के लिए टेरिसली को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही okay. तो उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो और वायरलेस संदेश से जुड़ा हुआ है क्या उत्तर हो जाएगा बताइए चले देखते हैं तो वायरलेस से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं जी मार्कोनी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर से किस वैज्ञानिक को हवाई जहाज के आविष्कार के लिए बताइए को हवाई जहाज के आविष्कार के लिए जाना जाता है नेक्स्ट तो क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की बताइए चलिए देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ऑप्शन नंबर के लिए जाएगा के के खोज करता है देखते हैं कि आप गया है। ये रहा स्क्रीन पर कौन निम्नलिखित वैज्ञानिकों बीच आविष्कार से जुड़े हुए हैं बताइए चलिए देखते हैं तो गैस इंजन के वैज्ञानिक डैमलर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा देखते हैं पूछा गया है वैज्ञानिक न्यूटन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान रहा है क्या उत्तर होगा बताइए चलिए देखते हैं तो फिजिक्स के क्षेत्र में शीतलक का सिद्धांत दिया है न्यूटन जी ने ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे फिफ्टी क्वेश्चन फोर्टी क्वेश्चन सॉरी क्या स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन ऑन कर, कर लीजिए जिससे आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्रैक्टिस सेट पेपर दिन भर में तीन अपलोड होते हैं सुबह छः बजे शाम को सात बजे और रात में दस बजे इन तीनों टाइम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं जिनको पढ़कर याद करके आप आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं जो कि मैंने आपसे बताया है जिससे आपको अपनी गलती का एहसास हुआ हो या आपके लिए अच्छे नंबर आने की खुशी हुई हो तो किसी भी कंडीशन में वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने में जो मेहनत लगती है आपके लाइक से मिला हुआ मोटिवेशन उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है बहुत ज़रूरी होता है इससे पहले वाली क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं अगर ना मिल रहा है वीडियो आपके लिए तो कमेंट करिए हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे तो चलिए दोस्तों जरूर करिएगा कमेंट कैसा लगा वीडियो और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए यही शुभकामनाएं है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपका दिन शुभ हो